नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। गौशाला में बीमार गायों को जहर देकर सुलाया जा रहा था मौत की नींद। कई गायों को सूखी तूड़ी भी नहीं हो रही थी नसीब। सरकार द्वारा प्रारंभिक जांच में हुआ दिल दहला देने वाला खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सोलन की विवादित गौशाला का मीडिया ने जब असली चेहरा प्रदेश सरकार को दिखाया तो पशुपालन मंत्री ने इस पर तुरंत जांच बिठा दी और सोलन से पशुपालन विभाग के अधिकारी को उनकी टीम के साथ गौशाला में वास्तविकता जानने के लिए भेजा। अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद जो ऐसे तथ्य मीडिया के समक्ष रखे जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि गौशाला में गायों के साथ बेहद बर्बरतापूर्वक बर्ताव किया जाता है। उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया जाता था। जो गायें मृत हो जाया करती थी उन्हें संसाधन में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की इच्छा के विरुद्ध खिंचवा कर खुले में फिकवा दिया जाता था। अधिक जानकारी देते हुए पशुपालन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने जब गौशाला में गायों के स्वास्थ्य की जांच की तो ज्यादातर गायें भूखी थीं, जिन्हें सूखी तूड़ी ही दी जा रही थी। यही नहीं, गायों को जितनी तूड़ी दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी जा रही थी। और हद तो यह है कि कभी कभी तो सूखी तूड़ी भी गायों को उपलब्ध नहीं करवाई गई। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो गाय लंबे समय तक बीमार रहती थी उसे जहर देकर मार दिया जाता था और फिर मरी हुई गाय को विद्यार्थियों से जबरन खड्डों में फिकवाया जाता था। उन्होंने बताया कि गायों के रक्त के सैंपल लिए गए हैं जिनकी दो दिनों में रिपोर्ट आनी है, जिसमें पुख्ता तौर पर खुलासा होगा कि गायों का स्वास्थ्य कितना खराब है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि वह उचित कार्रवाई अमल में ला सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जानवर काफ़ी मरते रहते हैं और जिनको कि ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि लगभग पिछले 10 महीनों में 80 से 90 जानवर मर चुके हैं और ये जानवर गौशदन से उनसे उठवाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य है। लेकिन जो वहाँ देखा गया है और रिकॉर्ड में देखा गया है कि केवल जानवरों को सूखा भूसा ही दिया जा रहा है और वो भी नियमित मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। कई बार तो ऐसा है कि जो रिकॉर्ड है उसको देख के लगता है कि कुछ दिनों तक तो जानवरों को बिल्कुल भूसा भी नहीं दिया गया है, जिससे कि गायों की मौत भी हो सकती है। साथ ही मैंने पाया कि जो भूसे की क्वांटिटी दी जा रही है तो रिकॉर्ड में कुछ और दिखाया गया है, मौके पर कुछ और आ रहा है, तो उसमें भी सिमिलरिटी नहीं है। जो कि कहते जानवर मरे हैं और जानवरों की संख्या रिकॉर्ड में दर्शाई गई है वो भी थोड़ी सी गलत प्रतीत हो रही है। ये जो जानवर ज़्यादा बीमार हो जाते थे उनको इथनाइज कर दिया जाता था, लेकिन प्रशासन से पूछने के शुरू में तो उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने बाद में बताया कि इनको हम इथनाइज कर देते थे क्योंकि जानवर ठीक नहीं हो पाता था, उसके बाद हम वैज्ञानिक तरीके से इथनाइज कर देते थे उसको। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।